जय हिंद। देखिएगा, आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए आपको सिंपल सा चीज़ है, आप कितना दिन भर में आप पढ़े हैं वो चीज़ जब सोने जाते हैं तो वो चीज़ को ना आप रिकॉल कीजिए कि आज दिन भर में हम क्या किए हैं, ठीक है, क्या क्या कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद सो जाइए, जब सुबह में जब उठते हैं तब प्लानिंग कीजिए जब हमको कौन कौन सा विषय करना है, कहाँ जाना है। अब ज़्यादा नहीं 15 दिन तक ये कीजिएगा ना तो आपका क्या होगा, आईक्यू लेवल बढ़ जाएगा, मतलब पढ़ने का जो क्षमता है, याद करने का क्षमता है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। आप सोने वक्त जब आप सोने जाते हैं तो पहले एक काम क्या काम कीजिए, जब आप सो रहे हैं तो आधा घंटा पहले सब कुछ छोड़ दीजिए, ठीक है। मोबाइल चलाना पहले बंद कर दीजिए, आपको अगर पढ़ना है मोबाइल चलाना बंद कीजिए। जो लोग मोबाइल से अगर पढ़ते हैं तो मोबाइल भर ही यूज कीजिए, उसके बाद यूज मत कीजिए। तब का क्या होगा, ज़्यादा यूज करने से आई क्यू लेवल मोबाइल से क्या होता है, कम है ज़्यादा यूज करने से। तो इसलिए आप सोने वक्त जाइए, आप दिन भर क्या किए हैं उस सब का रिकॉल कर लीजिए कि हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या नहीं पढ़ा, ठीक है, उस सब चीज़ को लिख लीजिए। फिर सुबह में उठिए तो फिर प्लानिंग सेट कीजिए आपको क्या करना है, ठीक। देखिए, आप सब चीज़ आप ही को करना, कोई दूसरा नहीं करेगा। मान लीजिए आज अगर आपके जीवन में कोई कष्ट आ रहा है, सोल्यूशन भी आप ही को ढूंढना होगा, कोई दूसरा सोल्यूशन आपको नहीं बताएगा, उसी चीज़ से आपको आगे बढ़ना सोल्यूशन ढूंढ के। मान लीजिए जीवन में आज अंधेरा हो गया तो इज्जत भी आप ही को लाना है। समझदार व्यक्ति जो करके अपना काम, मतलब उजियारा ला के काम कर लेता है, जो रहता है उसको समझदार नहीं रहता, वो बेसमझदार रो के रह जाता है, ठीक है। समझदार आदमी क्या करता है, लैंप जला के बल्ब जला के पढ़ लेता है। आज जो नहीं समझ आ रहा तो क्या कहते हैं, आज तो लाइने नहीं पढ़ेगा, ये सब गलत चीज़ है। जो पढ़ने वाला व्यक्ति रहता है वो हर चीज़ से लड़ के पढ़ लेता है, ठीक है। ये पढ़ने का उम्र है, ये फिर चला जाएगा, फिर दोबारा आएगा नहीं, ठीक है। देखिएगा एटीएम का जो आविष्कार कब हुआ वो हम आपको बताएंगे, हमारे लाइफ में एटीएम का यूज क्या वो हम आपको बताएंगे। पहले ये समझिएगा कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, हिंदी इंग्लिश में देखिएगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, ठीक, और उसको हिंदी में क्या बोला जाता है, संचालित मशीन। देखिए यहाँ लिखे हैं क्या, एटीएम क्या है, संचालित टेलर मशीन। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं क्या, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। एक ऐसा मशीन है जिसके किसी भी बैंक खाता, मान लीजिए कोई भी बैंक खाता से आप पैसा निकाल, जैसे मान लीजिए PNB का आपका ATM है, आप कोनो बैंक का खाता से क्या करते, कोनो ATM से आप निकाल सकते हैं। इस ATM का ये रूल है, ठीक है। हम डेबिट कार्ड के बारे में बताएंगे आपको, पहले ATM समझ लिया, ठीक है। क्या है, ये क्या प्लास्टिक का होता है, क्या होता है, प्लास्टिक का होता है, एक सिल्वर नुआ उस पर देखिएगा एकदम पीला पीला होता है, मेन चीज़ वही होता है, ठीक। उसके बाद देखिएगा क्या, प्लास्टिक कार्ड जो 24 घंटे पैसे निकासी कर सकता है, ऐसे मान लीजिए वो ATM कार्ड आपके पास रहेगा तो कोनो वक्त आप पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी ATM से आप निकाल सकते हैं, ठीक। अब आगे देखिएगा क्या है कि किसी से कर निकासित कर सकते हैं, इसे कई तरह की खरीदारी, ऐसे मान लीजिए आपके पास ATM है तो आप कहीं भी जाइएगा तो आप सामान खरीद सकते हैं, पेट्रोल वगैरह सब चीज़ खरीद सकते हैं ATM से, ठीक है, ATM द्वारा पेमेंट आप कर सकते हैं। अब देखिए आगे क्या है, इसके लिए बिल भुगतान भी कर सकते हैं, ऐसे पेफोन वगैरह चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं, उस सब क्या ATM से ही जुड़ा होता है, आप कर सकते हैं, ठीक, ATM से मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं, ठीक। अब आगे देखिएगा, इस कार्ड का सहायता से हम सब आवश्यकता तभी पैसा की निकासी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके अकाउंट में है हम ATM कार्ड, जब पैसा नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। ये क्या है, एक निकासी करने का क्या एक साधन है, आप पैसा निकासी कर सकते हैं, ठीक। अब देखिएगा जो ATM का जो आविष्कार जो हुआ था पहली बार कहाँ हुआ था, जो ये अमेरिका का एक वैज्ञानिक था वो किए थे, ठीक। देखिएगा क्या, श्रेय जो लूथर जॉन सिमियन नामक एक अमेरिकी जो 1939 में हुआ था, ठीक। अब देखिएगा ATM कार्ड का आविष्कार ये जॉन सोरफर्ड बोरन ने किया था। भारत में पहली बार किस बैंक में यूज हुआ था, उस किस बैंक ने पहली बार ATM को ये बनाया था। सब बैंक का ATM अलग अलग होता है, काम सबका एक होता है लेकिन ATM सबका अलग अलग होता है, सबका सब पर नाम लिखा हुआ आता है ATM के। जैसे मान लीजिए पहली बार भारत में कौन यूज किया था, देखिएगा 1987 में HSBC बैंक द्वारा पेश किया गया था, पहली बार लॉन्च किया गया था भारत में। उसके बाद ICICI बैंक भारत में डेबिट कार्ड पेश करने वाला पहला बैंक है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड, हम आपको डेबिट कार्ड के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। अब आगे देखिए अंतर बताएंगे कि क्रेडिट कार्ड और ATM में फ़र्क क्या है। इसमें देखिएगा एक प्रकार का क्या क्रेडिट कार्ड सुविधा है जो बैंक द्वारा प्रदान की जाती है, जो ग्राहकों को पूर्व में अनुमोदित
क्रेडिट कार्ड सीमा के भीतर, जैसे मान लीजिए आपका बैंक में क्रेडिट होता है, समझे, जैसे कि आप कितना लेन देन करते हैं कोई भी बैंक से उसका क्रेडिट होता है। क्रेडिट कार्ड से क्या होता है, आप लोन वगैरह सधा सकते हैं, समझे, उसको लोन में कन्वर्ट करके, सिर्फ पे फोन वगैरह में कन्वर्ट करके उसको, एक ऑप्शन ऐप्स आता है उसमें, उसमें एक सिस्टम आता है उसमें कन्वर्ट करके आप पैसा अपने दूसरे अकाउंट में, जिस अकाउंट से आपका क्रेडिट कार्ड है उस अकाउंट में ट्रांसफर, दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा पैसा, ठीक है, उसको यूज कर सकते हैं, ठीक। लेकिन एक महीना उसका लिमिट होता है, अगर एक महीने के अंदर में फिर उसमें आपको पैसा डालना होगा, अगर आप नहीं डालिएगा इसमें क्या होगा, ब्याज इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा, ठीक। ये है क्रेडिट कार्ड का जो होता है, मान लीजिए शॉपिंग वगैरह जो भी कर रहे हैं आप कीजिए, कोई एक महीना के भीतर, एक महीना के भीतर आप जो भी खर्च किए हैं वो पैसा क्या है आपको फिर से अकाउंट में क्या है डाल देना, अगर नहीं डालिएगा आपका उसी का ब्याज लगेगा, ठीक। ये होगा क्रेडिट कार्ड का। एटीएम में क्या है, एटीएम में खुद का आपका पैसा लगेगा, उसका कोई चार्ज नहीं है, साल का जो होता है 100 या 160 रुपया तो साल का कर एटीएम का चार्ज कर, उसमें कोई पैसा आपको नहीं लगेगा, आपका खुद का पैसा निकलेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें पैसा आपका नहीं होता है, वो क्या होता है क्रेडिट कार्ड से, मान लीजिए आपको 15,000 लिमिट दिया, 15,000 आप खर्च किए उसके महीने में, फिर आपको सधा दिए, फिर क्या करेगा 30,000 लिमिट आपका बढ़ाएगा। इससे क्या है कि इससे क्या आपका क्रेडिट बन रहा है, जैसे मान लीजिए किसी से आप उधार लिए, एक महीना करारी पर आप उधार लिए, ठीक, एक महीना का उधार लिए आप उसको एक महीना के भीतर उसको दे दिए, तो क्या करेगा वो विश्वास करेगा, आप वो आदमी विश्वास करेगा कि नहीं ये दे दिया है 10,000 एक महीना में हमको दे देता, फिर इसको 20,000, उसी तरह क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड जो बैंक देता है तो इसी तरह बैंक भी देता है कि आपको मान लीजिए 10,000 रुपया दिया खर्च करने के लिए, जो भी आप शॉपिंग किए चाहे लोन से जो भी सदा उसको एक महीना के अंदर आप दे दिए तो ठीक, अगर आप वही अगर नहीं दिए तो आपको क्या होगा क्रेडिट खराब हो जाएगा, जब खराब होगा तो आपको लिमिट नहीं देगा, बस अपने आपको क्या करेगा रोक देगा, ये आदमी पैसा रोकता है, ठीक। अब आगे देखिए क्रेडिट कार्ड हुआ, एटीएम में क्या है, एटीएम में खुद का पैसा आपका निकलेगा, उसमें कोई लिमिट नहीं बनाना है, अब जितना मन उतना पैसा आप निकले इसमें, लेकिन आप लिमिट कर दिया, ठीक, इतना 20,000 या 30,000 रुपया लिमिट एक दिन में आप निकाल सकते, खुद का आपका पैसा निकलेगा, उसमें क्या होता है बैंक का पैसा रहता है, क्रेडिट कार्ड आपका पैसा नहीं रहता है, जब आप नहीं सधाएगा उसमें नहीं डालिएगा तो आपका खुद का जो बचत खाता आपका जो सेविंग उसमें से कटना चालू हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या है, एक प्रकार का क्रेडिट कार्ड सुविधा है जो बैंक द्वारा प्रदान की जाती है ग्राहकों को पूर्व में अनुमोदित क्रेडिट कार्ड सीमा के भीतर धन उधार लेन देन अनुमति देती है, यह ग्राहकों को वस्तुओं और सेवाओं पर खरीदारी लेन देन समक्ष बनाता है, क्या है सक्षम बनाता है। हम आपको बताएं जो भी आप सामान खरीदते हैं लेन देन करते हैं, इससे पेट्रोल पंप पर भी जाते हैं, इससे आप फिर भरवा सकते हैं, ठीक, सामान खरीद सकते हैं, लोन सुधार सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखिएगा क्या इस कार्ड के माध्यम से आप बैंक का ऋण लेकर खरीदारी कर सकते हैं, क्या है ये बैंक का ऋण आपको बैंक दिया है, ठीक है, उसमें आपका पैसा नहीं होता है, बैंक देता है, उसका एक महीना लिमिट होता है, उस महीना लिमिट में आपको फिर पैसा उसमें डाल देना है, ठीक, तो आपको क्या होगा ब्याज नहीं लगेगा, ब्याज अगर आप नहीं दीजिएगा मतलब एक महीना का अंदर जो ब्याज लगना चालू, जो उसका दर होगा वो ब्याज आपका लगना चालू हो जाएगा। क्या खरीदारी कर सकते हैं, शर्त सिर्फ इतना ही होता है कि आपको 23 से 30 दिनों के अंदर क्या है इसमें पैसा वापस कर देता है, ठीक है, वापस कर देना आपको होता है, उसमें आप डाल देना होता है, ठीक है, तभी आपको क्या करेगा लिमिट बढ़ाएगा, ठीक। क्या इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगता, क्यों नहीं लगता है, 23 से 30 दिन के अंदर में आप उसका पैसा अगर दे दीजिएगा आपको कोई शुल्क नहीं लगेगा, ठीक, कोई शुल्क नहीं लगेगा, यही अगर आप रोक दीजिएगा आपको क्या होगा ब्याज लगना चालू, शुल्क लगना चालू हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यदि आप निर्धारित अवधि से पैसा वापस नहीं करिएगा तो क्या है आपको क्या उधार पैसे पर ब्याज लगना चालू, जो हम आपको अभी समझाए, ठीक है, ये था क्रेडिट कार्ड, ठीक है, दोनों का आकार सेम ही होता है, समझे, दोनों कार्ड सेम ही होता है, ठीक है, दोनों कार्ड सेम ही होता है, यहाँ पे एक सिल्वर कलर का होता है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके होता है, ठीक है, और यहाँ पे आपका नाम होगा, यहाँ पे एटीएम नंबर होगा, ठीक है, इसके पीठ पे होता है 4 डिजिट का अंक होता है, ठीक, और उसके बाद एटीएम जो होता है एटीएम पर भी होता है, ठीक है, दोनों का आकार सेम ही होता है, समझे, दोनों आपको एक ही हो, लेकिन सब पे लिखा हुआ डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सेविंग कार्ड सब पर लिखा हुआ होता है, ठीक है, उस पर एक लिमिट लिखा हुआ रहता है कि 2020 से लेकर 2024 तक आपका वैलिड रहेगा कार्ड का सबका क्या होता है लिमिट होता है, ठीक है। देखिएगा इसमें क्या होता है सिल्वर नुमा जो यहाँ पर होता है सिम का आकार का, देखिएगा सिम में भी वो लगा हुआ होता है, आप जो मोबाइल फ़ोन यूज करते उसमें देखा सिम बुलेट के देखिएगा उसमें रहता है, उसी तरह इसमें यहाँ पर भी रहता है,
देखिएगा इसके नीचे में पहले क्या होता है, पहले आपका नाम देगा ठीक, उसके बाद क्या कहा उसका एक्सपायरी देगा, कब से कब तक उसका एक्सपायरी, एटीएम और क्रेडिट कार्ड दोनों में होता है ठीक। उसका यही होता है कि इसमें क्या, यहाँ नाम देगा, यहाँ पे एटीएम नंबर देगा, उसका चार डिजिट पीछे देगा कार्ड नंबर जो होता है। सो देखिए ये हो गया क्रेडिट कार्ड, ये हो गया क्या एटीएम कार्ड ठीक है। एटीएम कार्ड ये भी देखिएगा एक घसने वाला ऐसे भी होता है जो ग्रीन कार्ड टाइप का होता है, वो हम बाद में अगले वाले वीडियो में डाल देंगे। फिलहाल दो प्रमुख कार्ड होता है, एक क्रेडिट कार्ड एक एटीएम कार्ड जो लोग यूज करता है ठीक है। देखिएगा एटीएम में क्या होता है, पहले एटीएम नंबर होता है, नाम होता है, उसके बाद एटीएम नंबर होता है, एटीएम कार्ड नंबर, उसका चार डिजिट पीछे होता है ठीक है। इसीलिए क्या बोलता है बैंक जो अधिकारी होते हैं क्या ये नंबर नहीं बताने के लिए ठीक है, क्रेडिट कार्ड नंबर भी नहीं बताने के लिए, इसीलिए रोक लगाया जाता है, इसको छिपा के रखा जाता है ठीक। देखिएगा ये दोनों नंबर आप लोग छिपा, अगर आप लोग यूज करते हैं तो छिपा के रखिएगा, बताइएगा मत।